नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, झारखंड में जो है जैक बोर्ड की 10th और 12th की जो परीक्षा को लेकर के विवाद में अभी चल रहा है दोस्तों, कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। दोस्तों पूरी संभावना है कि 99% है कि चांस है दोस्तों कि एग्जाम जो है आप लोगों का कैंसिल होने वाला है, और 1% ही कहा जा सकता है कि दोस्तों ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों पूरा चांस है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, क्योंकि पहले सरकार पहले तय कर चुकी है कि जो CBSE निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर जो है चला जाएगा झारखंड बोर्ड। तो दोस्तों CBSE जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर चुका है अपना 12th बोर्ड की एग्ज़ाम। तो दोस्तों जहां तक संभावना है ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का कैंसिल होने वाला है दोस्तों, और आज भी इसका न्यूज आया है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं कि आज जैक बोर्ड की तरफ से क्या जो न्यूज आई है। तो देखिए दोस्तों, यह जो न्यूज़ है आज की न्यूज़ है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह में बताएं छात्रों को कैसे दिए जाएंगे 12वीं के अंक। ये जो CBSE बोर्ड के लिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ बताएंगे दोस्तों कि जैक बोर्ड की क्या है न्यूज़ दोस्तों। तो देखिए, जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द होने के आसार में है रांची। झारखंड में भी जैक द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा नहीं होने की संभावना बढ़ गई है। राज्य सरकार फिलहाल CBSE द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने की प्रक्रिया जारी किए जाने का इंतजार कर रही है। झारखंड में जो है 15 जून तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब जो देखिए दोस्तों, अब जब CBSE ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है, तो झारखंड में भी परीक्षा नहीं होने के आसार पूरी जो है बढ़ गई है। तो दोस्तों इस तरह जो है न्यूज आ रही है कि झारखंड में भी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कैंसिल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।